हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन अकेडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ। आज मैं आपको धतूरा, कैनाबिस और कोकेन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि डिलिरेंट पॉइजन्स के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अन अकेडमी के बारे में बता देता हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर जो है धतूरा धतूरा कैनाबिस और कोकेन के बारे में बताऊंगा। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों आपको। अब अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। ये एजुकेटर्स आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं, ये स्पेशल क्लासेस लेते हैं। स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये है कि पूरी ये लाइव होती हैं, ये लाइव होती हैं, तो आप अपने घर में बैठे बैठे आप अपनी लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे आप एजुकेटर्स से वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवेल्यूशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहता है। ऐसे में वो एक टाइम टेबल नहीं मेंटेन रख सकते हैं। तो ऐसे में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ये है कि आप यहाँ पे खुद का टाइम टेबल बना के अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्विजेस प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्पेशल क्लास लाइव होती है, तो ऐसे में आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपकी स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके चार ऑप्शन हैं, तो वो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। बस आपको जो सही आंसर आपको जो लगता है वो आपको वो क्लिक करना रहेगा। तो मतलब कि ये है कि आप अपने घर पे बैठे बैठे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू आप उसको ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। सर ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ, सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, मेरा कोड है LIVEDRM, अगर आप मेरा एक कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ ये आपको पड़ेगा 4500 का। अगर मैं 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 11250 का। अगर मैं सिर्फ 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 18000 का। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो ये आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे ही अगर मैं 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो मेरा कोड यूज़ करने के बाद, मैं जो कोड है वो है LIVEDRM, मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये आपको पड़ेगा 27000 रुपीज़ का। तो दोस्तों अगर मैं इस 22500 में अगर मैं 4500 और ऐड कर दूँ, यानी कि अगर मैं 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन और ऐड कर दूँ, तो आपको पूरे 13 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों अगर आप 13 मंथ के लिए पे करेंगे तो आपको पूरे पूरे 2 साल के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अभी जैसे अप्रैल चल रहा है, तो ऐसे में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पूरा लगभग लगभग मान के चले तो 9-10 महीने बचे हैं अभी, तो इसको राउंड ऑफ करें तो 1 साल का टाइम लगता है नीट पीजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो इंटर्न हो चाहे जिसने 1 साल ड्रॉप लिया हो, लगभग 1 साल का टाइम है। तो दोस्तों ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप 13 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले, तो ऐसे में आपको ये 13 मंथ का प्राइस पे करिए, इससे आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों लॉजिक अगर लगाएं
तो एग्ज़ाम के बाद भी अगर आप चाहेंगे कि आपको आप स्टडी से टच में रहें या आप एम्स की तैयारी करना चाहें जो नवम जो मई में आता है, पीजीआई हो गया, नीम हेंस हो गया, अगर आप ऐसे किसी की भी तैयारी करते हैं उसके बाद भी, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है प्लस बेनिफिशियल भी है। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें अपने अंदर मोटिवेशन लेके आए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। हमेशा अपने अंदर ये मोटिवेशन लेके आइए, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं काफ़ी अच्छी रैंक के साथ ये कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जैसे टॉपिक मैंने आपको बताया कि डिलिरेंट पॉइजन्स के ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो डिलिरेंट्स आर द पॉइजन्स एक्टिंग ऑन द ब्रेन एंड इंड्यूसिंग ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस विद कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड एजिटेशन। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? धतूरा, एट्रोपा, बेलेडोना, हायोस्कैमस जिसको हेनबिन के नाम से भी जानता है, या फिर कैनाबिस सैटिवा और फिर कोकेन। तो ये हम इसके अंदर जो मेन जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे धतूरा, कैनाबिस सैटिवा और कोकेन। तो चलिए दोस्तों पहला लेते हैं धतूरा, जिसका नाम कॉमन नेम है थॉर्न एप्पल या फिर जिम्सन सी। फीचर्स दोस्तों इसके क्या क्या? धतूरा इज अ वाइल्ड श्रब अप टू 3 to 5 feet एंड ग्रोज एट वेस्ट प्लेस। प्लांट बियर्स डार्क ग्रीन ओवल लीफ विथ ट्रम्पेट और बेल शेप फ्लावर। टू वेराइटी ऑफ धतूरा फर्स्टोसा आर फाउंड इन इंडिया, वो है धतूरा नाइग्रा और धतूरा एल्बा। तो नाइग्रा के अंदर क्या होता है? डीप पर्पल कलर फ्लावर होते हैं, लेकिन एल्बा के अंदर वाइट कलर फ्लावर होते हैं। द प्लांट बियर्स फ्रूट विच आर स्फेरिकल एंड हैव मल्टीपल स्पाइक्स दस कॉजेज थॉर्न एप्पल। तो अगर मैं थॉर्न एप्पल के आपके यहाँ पे दिखाऊँ तो ये स्पाइक्स देखे जाते हैं, तो इन स्पाइक्स की वजह से इसको थॉर्न एप्पल का नाम दिया गया है। द फ्रूट कंटेन ब्लूइश किडनी शेप सीड। तो अगर मैं सीड की अगर बात करूं तो ये जो है किडनी शेप सीड जो है इसकी धतूरा की। ये हो गया फ्रूट, ये हो गया इसके सीड। टॉक्सिक पार्ट क्या होता है दोस्तों धतूरा का? ऑल पार्ट आर टॉक्सिक बट सीड्स आर मोर टॉक्सिक। वैसे तो पूरा ही पेड़ टॉक्सिक होता है, लेकिन जो सीड्स जो उसके बीज होते हैं वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। धतूरा आपने देखा होगा कि जो है शिवरात्रि के टाइम पे जो है बेलपत्री चढ़ाई जाती है, तो ये उसी का ही प्लांट है। दोस्तों एक्टिव प्रिंसिपल की अगर बात करूं तो स्कोपोलामाइन जिसको हायोसिन के नाम से भी जानते हैं, या फिर हायोसाइनामीन के नाम से भी जानते हैं, या हायोसाइनामीन और एट्रोपिन, तो ये तीन जो है इसके एक्टिव प्रिंसिपल हैं। टुगेदर रिफर एज बेलाडोना एल्कलॉइड्स। तीनों को मिला के इसको बुलाता है बेलाडोना एल्कलॉइड। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो द एल्कलॉइड्स कम्पिटिटिवली इनहिबिट द मस्कारिनिक इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। साइट ऑफ एक्शन आर एट ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेथेटिक एंड फ्यू पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपेथेटिक, यानी कि ये स्वेट ग्लैंड, स्मूथ मसल्स, इन सब के ऊपर एक्ट करता है। मेजोरिटी ऑफ द सी एन एस एक्शन आर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ मस्कारिनिक रिसेप्टर इन द ब्रेन। वो वेगल इन स्टिमुलेशन, डिक्रीज इन हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें शो करता है सी एन एस के अंदर। हाई डोज कॉज कॉर्टिकल एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस, डिसोरिएंटेशन, हेलुसिनेशन एंड डिलीरियम फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कोमा। तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें जो है जो धतूरा होता है वो सीएनएस को पर एक्ट करके ये सारी सिम्टम्स कॉज करता है। दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो द क्लिनिकल फीचर आर बेस्ट समराइज इन क्लासिकल फ्रेज कोट बाय मॉर्टन, ये है ब्लाइंड एज बैट, ब्लाइंड एज बैट, हॉट एज हेयर, ड्राई एज बोन, रेड एज बीट एंड मैड एज हैन। हैन एक तरीके का घोड़े टाइप का ही आप समझ सकते हैं, तो वो हेयर होता है। तो
ब्लाइंड एज बैट, हॉट एज हेयर, ड्राई एज बोन, रेड एज बीट, मैड एज हैन। तो ये सारी चीजें ये आप इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो इसको अगर हम क्लिनिकल भाषा में में डिफाइन करें तो डीज, इसके काफ़ी सारे डी अल्फाबेट जो डी होता है, ए बी सी डी, तो डी काफ़ी सारे आते हैं, तो वो देखते हैं। द प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स विद लॉस ऑफ कोलिनर्जिक फंक्शन इज डोज रिलेटेड टू एट्रोपिन, तो ये भी हम आगे देख लेंगे। लेकिन हम डीज के बारे में जानते हैं तो वो है ड्राइनेस ऑफ माउथ यानी कि ड्राई एज बोन, बिटर टेस्ट, डिफिकल्टी इन टॉकिंग, डिस्फेजिया, डायलेटेड प्यूपिल, डिप्लोपिया, डिफिकल्टी इन विजन यानी कि ब्लरिंग ऑफ विजन, ये हो गया ब्लाइंड एज बैट, तो ये कॉम्पोनेंट भी हो गया हमारा ड्राई एज बोन, ये कॉम्पोनेंट भी हो गया। ड्राई हॉट स्किन विथ फ्लशिंग, रेड एज बीट, ये कॉम्पोनेंट भी हो गया। हाइपरपायरेक्सिया यानी कि हॉट एज हेयर, ये भी हो गया। ड्रंकन गेट यानी कि अटैक्सिया देखा जाएगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया भी इसके अंदर होगा, कन्वर्शंस भी इसके अंदर देखे जाएंगे, डिलीरियम, हेलुसिनेशन, एजिटेशन, एमनेजिया, इनकॉलरेंस, विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन यानी कि पागल, मुर्गी की तरह पागल, मैड एज हैन, ये कॉम्पोनेंट भी हो गया। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको, इन सब से भी आप जो है धतूरा पॉइजन आप याद कर सकते हैं। ब्लाइंड एज बैट यानी कि ब्लर विजन इसके अंदर देखा जाएगा, डिफिकल्टी इन विजन देखा जाएगा। हॉट एज हेयर यानी कि हाइपरपायरेक्सिया देखा जाएगा। ड्राई एज बोन यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ देखा जाएगा इसके अंदर। रेड एज बीट यानी कि ड्राई हॉट स्किन विथ फ्लशिंग देखा जाएगा। मैड एज हैट, मैड एज हैन यानी कि इसके अंदर डिलीरियम, हेलुसिनेशन, एजिटेशन, ये सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी। इसके साथ साथ डेफिशिएंट ऑफ रिसेंट मेमोरीज, डिस्यूरिया, डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर, ऑफ डेथ, ये सारी चीज़ें भी देखी जा सकती धतूरा पॉइजनिंग के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं डोज रिलेटेड प्रोग्रेशन ऑफ द सिम्टम्स यानी कि डोज ऑफ एट्रोपिन क्या क्या होते हैं, तो उससे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यानी कि 0.5 mg का अगर डोज है एट्रोपिन का तो उसके अंदर ड्राई माउथ देखा जाएगा। 1 mg तक डोज है तो डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, ब्लरिंग ऑफ विजन और डिप्लोपिया, ये सब देखा जाएगा। 2-4 mg अगर डोज है तो उस हिसाब से क्या सिम्टम्स देखे जाएंगे, इंक्रीज कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, एलिवेटेड बीपी। अगर 5 mg है तो उसके अंदर टेम्परेचर एलिवेशन, इनएबिलिटी टू स्वॉलो और यूरिन रिटेंशन। अगर 10 mg या फिर उससे ज़्यादा का अगर डोज है तो रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी, एजिटेशन, क्लाउडेड सेंसोरियम, डिसोरिएंटेशन, हेलुसिनेशन, डिलीरियम और कोमा। तो इन ये सारे सिम्टम्स जो है एट्रोपिन के डोज के हिसाब से भी हम रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट क्या करेंगे दोस्तों हम धतूरा पॉइजनिंग के अंदर, ट्रीट द पेशेंट इन क्वाइट एंड डार्क एनवायरनमेंट, गैस्ट्रिक लेवाज विद एक्टिवेटेड चारकोल भी हम कर सकते हैं, कैथराइज ब्लैडर भी हम कर सकते हैं, कैथेटिक इज गिवन इवन इफ पेशेंट इज ट्रीटेड 24 आवर आफ्टर इंजेक्शन बिकॉज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज डिक्रीज्ड, मॉनिटर एंड रेगुलेटेड पेशेंट टेम्परेचर, हाइपरपायरेक्सिया के लिए हाइड्रेशन एंड कोल्ड स्पॉन्जिंग हम कर सकते हैं, एजिटेशन कैन बी कंट्रोल विद जुडिशियल यूज ऑफ डायजेपाम या फ्लोरेजेपाम से हम इसके एजिटेशन कम कर सकते हैं। एंटीडोट है दोस्तों इसका फियोस्टिगमाइन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि धतूरा पॉइजनिंग के अंदर एंटीडोट क्या यूज़ करते हैं हम, तो फियोस्टिगमाइन हम यूज़ करते हैं। तो इंटरवेनस फ्यूस्टिगमाइन इज गिवन स्लोली ओवर 5-10 minutes और इफ हाइपरथर्मिया, डिलीरियम, कन्वल्शंस, हाइपरटेंशन, एरिथमियास, ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम इंटरवेनस IV रूट से हम दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कि हम क्या क्या इसके अंदर ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। तो फिनोथाइजाइड्स नहीं दे सकते, एंटीहिस्टामिन्स हम नहीं दे सकते, मॉर्फिन हम नहीं दे सकते, ट्राई साइक्लिक डिप्रेसेंट हम नहीं दे सकते, क्विनिडीन नहीं दे सकते,
पैरामीट हम नहीं दे सक सकते, नहीं दे सकते, प्रोकेनामाइड हम नहीं दे सकते। दोस्तों इसके अंदर ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, साइन ऑफ एस्फिक्सिया देखने को मिलेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक स्विंग इन्फ्लेमेशन, सीड्स और फ्रेगमेंट में भी फाउंड इन स्टोमक, पल्मोनरी इडीमा। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑटोप्सी के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसका मेडिकोलीगल इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक्सीडेंटल डेथ में अक्कर सिंस धतूरा सीड में भी मिस्टेकन बाय चिली सीड, तो एक सिंस ये हम जो है धोखा खा सकते चिली सीड से, तो इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हैं चिली सीड्स और धतूरा सीड के बीच के। तो कलर की बात करें तो धतूरा सीड्स कैसी होती है, ब्राउनिश कलर की होती है, लेकिन चिली सीड्स कैसी होती है, येलोइश कलर की होती है। दोस्तों अगर आपको चिली सीड्स देखनी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो है कैप्सिकम करके एक टॉपिक मैंने दिया है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने पूरा समझा रखा है एग्रीकल्चर पॉइजन। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम साइज की, तो धतूरा के जो सीड्स होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन जो चिली सीड्स होती हैं वो उसके कंपेयर में छोटे होते हैं। शेप की अगर बात करूँ तो धतूरा सीड्स जो है किडनी शेप की होती हैं, लेकिन चिली सीड जो है राउंड होती हैं। सरफेस की बात करूँ तो ये धतूरा की जो सीड्स होती है वो पिटेड होती हैं, लेकिन चिली सीड्स स्मूथ होती हैं। स्मेल की बात करूँ तो ओडरलेस होती हैं धतूरा सीड्स, लेकिन पंजेंट स्मेल आता है चिली सीड्स के अंदर। दोस्तों टेस्ट टेस्ट की अगर बात करूँ तो धतूरा सीड्स के अंदर बिटर टेस्ट देखा जाता है, बिटर टेस्ट आता है, चिली सीड्स के अंदर पंजेंट टेस्ट आता है। ऑन सेक्शन एम्ब्रियो कर्व आउटवर्ड, लेकिन चिली सीड्स के अंदर एम्ब्रियो कर्व इनवर्ड टूवर्ड्स हाइलम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने धतूरा सीड्स और चिली सीड्स के बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हमने देखा। तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये जो है सुसाइड काफ़ी रेयर होता है, होमिसाइड भी इससे हो सकता है। धतूरा सीड आर यूज एज स्टूपीफाइंग एजेंट टू रॉब पीपल। रॉबर्स यूजली मिक्स द धतूरा सीड्स विद फूड और ड्रिंक एंड ऑफर टू ट्रेवलर इन ट्रेन। वंस द पैसेंजर आर स्टूपीफाइड दे रॉब देम, दस धतूरा ग्रेन पॉपुलरी एज रेल रोड पॉइजन। तो दोस्तों इसके अंदर जैसे आपने देखा कि पुराने टाइम पे भी या अभी भी गांव देहात में कोई बस से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, तो खाने में ये सारी चीज़ें मिला के उनको जो है बेहोश कर दिया जाता है और फिर उनका सारा सामान लूट लिया जाता है। दोस्तों यूज एज लव फिल्टर और पोशन, तो जैसे आपने जो है जूलियस सीजर की अगर आपने स्टोरी सुनी होगी तो उसके अंदर भी ये यूज़ किया जाता है। धतूरा सीड्स आर अब्यूज, द सीड्स आर मिक्स विद सिगरेट एंड बेलेडोना एंड स्मोक्स एज हेलुसिनोजेंस। दोस्तों अगर लव फिल्टर और पोशन की अगर बात करूँ तो इन एंथनी और क्लियोपेट्रा इट वॉज मैंशन डेज क्लियोपेट्रा एम्प्लॉयड द धतूरा एस्टेट इन हर फेमस वूलिंग ऑफ सीजर। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, स्टोरीज रिलेटेड है ये। धतूरा सीड रेज पिट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी, धतूरा प्रोड्यूस टेम्प्रेरी इंसेनिटी, यूजली द पर्सन इज एडमिनिस्ट्रेड विदाउट द विक्टिम नॉलेज, हेंस द इंडिविजुअल इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज एक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ धतूरा। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया था कि सेक्शन 85 IPC हमारा ये कहता है कि अगर किसी के नॉलेज के बगैर अगर किसी विक्टिम को इंटॉक्सिकेशन दे दिया जाता है तो उस टाइम पे अगर कोई कोई क्रिमिनल एक्ट अगर वो होती अगर करता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। वहीं 86 IPC ये कहता है कि अगर नॉलेज में अगर है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। 86 IPC का बिगेस्ट एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में लोगों को जुर्माना लगता है। स्कोपोलामिन आर यूज एज ट्रूथ सीरम। दोस्तों इसका फेटल डोज क्या होता है, 50 to 100 सीड्स या फिर 10 to 100 mg ऑफ एट्रोपिन। इसका दोस्तों फेटल पीरियड क्या होता है, 24 आवर इसका फेटल पीरियड होता है। तो दोस्तों धतूरा के बारे में हमने यहाँ पे जाना, अब नेक्स्ट आते हैं हम कैनाबिस के ऊपर। तो बॉटनिकल नेम जो है इसका दोस्तों कैनाबिस सैटिवा या फिर कैनाबिस इंडिका। इसका जो कॉमन नेम है वो है इंडियन हेम्प। दोस्तों फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो कैनाबिस सैटिवा प्लांट ग्रोज ऑल ओवर इंडिया, हाउएवर द कल्टिवेशन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट, द प्लांट इज डायोसियस
दैट इज द सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल प्लांट अलग रहेगा और फीमेल प्लांट अलग रहेगा. द फीमेल प्लांट इज टॉलर एंड ग्रोज अबाउट 4 to 6 meters एंड बियर लग्जूरियस फोलिएट देन मेल काउंटर पार्ट. नेबिलोन इज अ सिंथेटिक कैनाबिनॉइड एंड पोजेस एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज. इट इज फाउंड टू बी यूजफुल इन पेशेंट रिसीविंग कैंसर कीमोथेरेपी. तो दोस्तों इसके अगर मैं दिखाऊं तो ये है हमारा कैनाबिस का प्लांट. दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ कैनाबिस की अगर बात करें तो द वेरियस प्रिपरेशन ऑफ कैनाबिस सैटिवा व्हिच इज यूज्ड आर एस फॉलोज. तो कैनाबिस के अंदर क्या क्या आता है? भांग आता है, गांजा आता है, चरस आता है, मजूम आता है या फिर मारिजुआना आता है. तो ये सारी चीज़ें आती तो एक एक करके जानते हैं. भांग सबसे पहले आते हैं. भांग ऑल्सो कॉल्ड ए सिद्धि, पट्टी या फिर सब्जी. भांग इज मेड फ्रॉम ड्राइड लीव ऑफ प्लांट प्रेस्ड इन टू केक्स. तो कैनाबिस का जो लीव्स होती है उसको ड्राई कर दिया जाता है, उससे भांग बनती है. गांजा क्या होता है? गांजा इज ड्राइव फ्रॉम फ्लावरिंग टॉप. चरस क्या होता है? ऑल्सो नोज एज हशीश और हैश एंड इज ड्राइव फ्रॉम रेसिनस एक्सुडेट ऑफ प्लांट. मजूम क्या होता है दोस्तों? अ स्वीट प्रिपेयर्ड विद एनी ऑफ द अबव प्रिपरेशन एडेड. मारिजुआना क्या होता है? दिस टर्म इज यूज इन अमेरिका एंड मे टेक्स्ट कंसिडर्ड इट एज अ सिनोनिम्स विद गांजा. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ द प्लांट. तो दोस्तों ये हमने काफ़ी कैनबिस के देखा कि इससे क्या क्या बन सकता है. भांग, गांजा, चरस, मजूम या फिर मारिजुआना. तो ये हमारा भांग. लीव्स को ड्राइव करके उसको सुखा दिया जाता है और प्रेस कर दिया जाता है, उससे भांग बन जाती है. यह है दोस्तों गांजा, यह है मजूम. दोस्तों इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो है 3 active preparations आर फाउंड एबंडेंटली. क्या क्या है इसके? कैनाबिनॉल, कैनाबिडायोल या फिर सेवरल आइसोमर्स आते हैं, वो है टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल. The isomers responsible for most of the characteristics effect of cannabis is 1-delta tetrahydrocannabinol. Fetal dose की दोस्तों अगर बात करूँ तो चरस के होते हैं 2 grams per kg body weight, गांजा का होता है 8 grams per kg body weight, भांग का होता है 10 grams per kg body weight. Fetal period होता है इसका दोस्तों 12 घंटा. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कैनाबिस एक्ट एज एक्ट कैनाबिनॉइड रिसेप्टर. 2 types ऑफ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड आर CB1 एंड CB2. CB1 क्या है दोस्तों? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विद हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन ब्रेन न्यूरॉन्स. CB2 कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड इम्यून सिस्टम. तो इन सब में CB2 पाया जाता है और CB1 पाया जाता है ब्रेन न्यूरॉन्स के अंदर. एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की दोस्तों अगर बात करें तो कैनाबिस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड एज स्मोक और वेपर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक. इट इज स्लोली एब्जॉर्ब फ्रॉम क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. कैनाबिस इज रैपिडली कन्वर्टेड बाय लिवर माइक्रोसोम्स इनटू एन एक्टिव मेटाबोलाइट 11-hydroxy-delta-9-THC. तो ये क्या होता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू एन इनएक्टिव मेटाबोलाइट एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, फेसिस एंड बाइल. तो ये जो है इस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर ये चीज जो है यूरिन, फेसिस और बाइल के अंदर एक्सक्रीट कर जाती है. दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की. तो सब सब्जेक्टिव प्रिपरेशन ऑफ रिलैक्सेशन एंड यूफोरिया, सम इम्पेयरमेंट इन थिंकिंग, कंसंट्रेशन एंड परसेप्चुअल एंड साइकोमोटर फंक्शन अकर. हाई डोज कॉज हेलुसिनेशन, सिडेशन एंड एट टाइम डिस्फोरिया विद अनप्लीजेंट सेंसेशन, एक्साइटमेंट, इम्पल्सिव आइडियाज या फिर स्ट्रे आइडियाज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट and distance are distorted, recent memory and selective attention is impaired,
चेंजेस इन परसेप्शन ऑफ कलर शेप एंड टाइम, इंक्रीज इन एपेटाइट, नोजिया, ड्राई माउथ, टैकीकार्डिया, पेल्पिटेशन, हाइपोटेंशन, एंजाइना में भी प्रेसिपिटेटेड बाई गांजा स्मोकिंग इन पर्सन विथ कोरोनरी इनसफिशियंसी। तो दोस्तों ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं डीडी की, यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। तो हम कैनबिस को किससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम दे सकते हैं, वो है कोकेन इंटॉक्सिकेशन, एम्फिटामिन इंटॉक्सिकेशन, सिडेटिव, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या फिर पैनिक अटैक। ये सारे कैनबिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। दोस्तों कैनबिस के मैनेजमेंट की अगर बात करें तो गट डिकंटामिनेशन, बेंजोडाइजेपिन फॉर पैरानॉइड, हेरोपैलिडोन फॉर एक्यूट साइकोटिक स्टेट, सपोर्टिव मेजरमेंट। इसके अंदर ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हमें साइन ऑफ एस्फिक्सिया देखने को मिलेगा, अनएब्जॉर्ब भांग में बी आइडेंटिफाई इन द स्टमक। तो ये भी हमें मिल सकता है ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ हमने कैनबिस भी खत्म किया, तो इसके हम मेडिकोलीगल इंपॉर्टेंस और देख लेते हैं। तो ये ड्रग ऑफ अब्यूज है, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन कॉज इम्पेयरमेंट इन मोटर स्किल एंड जजमेंट, एफेक्ट विजन एंड परसेप्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, देयरफॉर इट मे बी डेंजरस टू ड्राइव अ व्हीकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैनबिस। अ केस इज रिपोर्टेड वेयर अ यंग अडल्ट मैन डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग भांग हु वाज सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट। कैनबिस इज नोन टू इंड्यूस सुसाइडल आइडिएशन, रन एमोक के बारे में जानते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्सटेंस अ पर्सन गेट फ्रेंजी एंड गॉट एंड गोज ऑन किलिंग अदर पर्सन हु कम ऑन हिज वेज अंटिल द होमिसाइडल टेंडेंसी लास्ट, देयरफॉर द पर्सन कमिट सुसाइड और सरेंडर। तो रन एंड मॉक के बारे में भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोकेन के बारे में। तो कोकेन क्या है, फीचर्स देखते हैं। कोकेन इज एन एल्कलॉइड ड्राइव फ्रॉम प्लांट एरिथ्रोक्साइलिन कोका, इट इज प्रोड्यूस एज अ सॉल्ट कोकेन हाइड्रोक्सीक्लोराइड और एज एन एल्कलॉइड नोन एज फ्री बेस और क्रैक। द फ्री बेस या फिर क्रैक इज अ कलरलेस ओडोरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इट मेक क्रैकिंग साउंड व्हेन हीटेड, दस नोन एज क्रैक। कोकेन हाइड्रोक्सीक्लोराइड इज अ वाइट पाउडर, इट इज यूजुअली अडल्ट्रेटेड विद अदर सब्सटेंस सच एज कैफीन, एम्फिटामिन, स्ट्रिक्निन एटसेट्रा। When it is adulterated with heroin, it is called as speed ball. तो अगर जब ये heroin के साथ mix किया जाता है तो इसको speed ball के नाम से जाना जाता है। ये white powder होता है, आपने cocaine काफी TV वगैरह में देखा होगा white powder होता है, तो cocaine होता है। दूसरा route of administration क्या है इसका, chewing कर सकते हैं cocaine leaves को, स्मोकिंग कर सकते हैं, स्नॉटिंग यानी कि स्नॉटिंग होता है कि नाक से जब लिया जाता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन या फिर इंजेक्शन। तो इन सबसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, कोकेन इज सीएनएस स्टिमुलेंट इफेक्ट एंड यूफोरिया आर मीडिएटेड थ्रू इनहिबिशन ऑफ डोपामिन रीअपटेक इन द न्यूक्लिक एकोमोडेंट। हाउएवर इन क्रोनिक कोकेन यूजर इट कॉजेज डोपामिन डिप्लीशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ द डोपामिनर्जिक फंक्शन इन द ब्रेन। कोकेन पोटेंटेट नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, कोकेन ब्लॉक द री अपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट द साइनेप्स ड्यू टू विच देयर इज इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन कॉजेज सिम्टोमेमेटिक इफेक्ट सच एज टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपरथर्मिया, डायफेरेसिस, मिड्रेसिस एंड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो यानी कि दोस्तों का मोड ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सीएनएस को स्टिमुलेट कर देता है, जो
न्यूरो ट्रांसमीटर हैं जैसे कि नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इसको जो है साइनेप्स में जो कंसंट्रेशन उसको इंक्रीज कर देता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की। तो कोकेन इज वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम ओरल, नेजल एंड रेस्पिरेटरी साइड विद इंट्रावेनस इंजेक्शन और इनहेलेशन। द ऑनसेट इफेक्ट आर रैपिड विद पीक लेवल अचीव इन 3 to 5 minutes। द हाई लाइफ इज अप्रॉक्सीमेटली 1 hour। इट इज मेटाबोलाइज बाई लीवर प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेज टू बेंजो लाइकोनिकनिन, एकोनिकनिन, मिथाइल ईस्टर एंड एकोनिनिन। द मेटाबोलाइट आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। फेटल डोज क्या है दोस्तों, अगर ओरली किसी ने लिया है तो 50 mg का ओरल डोज है, अगर म्यूकोसल रूट से अगर लिया है किसी ने तो इसका 100 mg इसका डोज फेटल डोज है। दोस्तों फेटल पीरियड क्या है इसका, फ्यू मिनट से लेकर फ्यू आवर्स तक इसका फेटल पीरियड है। दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो एक्यूट पॉइजनिंग के केस में क्लिनिकल फीचर्स आएंगे एंजाइटी, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रीमर, हाइपरथर्मिया, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, कन्वल्शंस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, साइकोसिस, ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन, ऑल्टर टैक्टाइल सेंसेशन। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के ऊपर लगेगा कि कीड़े चल रहे हैं, तो द पर्सन फील्स दैट सम स्मॉल इंसेक्ट आर क्रॉलिंग ऑन स्किन। दिस इज नोन एज मैग्नन सिम्टम और कोकेन बग। मेड्रेसिस देखा जाएगा, पल्मोनरी एडिमा देखा जाएगा, रेबडोमायोलाइसिस देखा जाएगा, इंटेस्टाइनल इस्टीमिया, एबडोमिनल पेन, कोलाइटिस, ब्लाइंडनेस ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ रेटिनल आर्टरी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, मायोकार्डियल इस्टीमिया, इन्फेक्शन ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी वैसोस्पाज्म, इंट्रा क्रेनियल हेमरेज सच एज सबअरेक्नॉइड हेमरेज और इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज और इन्फेक्शन में अकर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था वैसो कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके अंदर आई में इफेक्ट आ सकता है, हार्ट में भी इफेक्ट आ सकता है, और ब्ले तो जो मेनिंजेस जो इंट्राक्रैनियल हेमरेज इसके अंदर देखा जा सकता है। इसके मेन इंपॉर्टेंट है मैग्नेट सिम्टम, यानी कि स्किन के ऊपर टैक्टाइल सेंसेशन आएगा, यानी कि पर्सन को लगेगा कि कोई छोटे छोटे स्किन उसके बॉडी के ऊपर क्रॉल कर रहे हैं। इसको कोकेन बग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे हम, हाइपरथर्मिया अगर है तो मैनेज बाय कूलिंग ब्लैंकेट, आइस वाटर स्पॉन्जिंग या फिर आइस वाटर बाथ, तो इन सब से हाइपरथर्मिया को मैनेज किया जाएगा। कन्वल्शंस अगर आ रहे हैं तो डायजेपाम या फिर लॉरिजेपाम देखें, इसको कन्वल्शंस ट्रीट किया जाएगा। टैकीकार्डिया अगर हो गया है तो बीटा ब्लॉकर्स देंगे हम। चेस्ट पेन अगर किसी को हो रहे हैं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर नाइट्रेट्स भी हम देंगे। वेंट्रिकुलर एरिथमियाज अगर हो गए हैं तो लिडोकेन हम देंगे, और फिर उसके साथ साथ हम सपोर्टिव मेजर्स भी हम करेंगे मैनेजमेंट के अंदर। दोस्तों ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ एस्फिक्सिया देखने को मिलेगा, नेजल सेप्टम अल्सरेशन एंड परफोरेशन में बी नोटेड इन क्रोनिक स्नॉटिंग अब्यूजर, यानी कि जो नाक से स्निफ करते हुए जो उस रूट से अगर कोई कोकेन को अगर लेता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो उसे नेजल सेप्टम देखा जाता है, नेजल परफोरेशन, नेजल सेप्टम का परफोरेशन देखा जाता है। देयर मे बी मल्टीपल स्कार मार्क एट इंजेक्शन साइट इन क्रोनिक अब्यूजर, अगर कोई इंजेक्टेबल फॉर्म में लेता है तो स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन के स्कार मार्क मिलेंगे हमें। देयर मे बी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एज सिक्वेले टू सेप्टिक इंजेक्शन साइट और प्रैक्टिस, हिपेटिक नेक्रोसिस मे बी प्रेजेंट स्पेशली इन कोका पेस्ट स्मोकर, हार्ट में शो एविडेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, माइक्रोस्कोपी शो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल फाइबर एंड इंटीमल प्रोलिफरेशन। दोस्तों अगर मैं एंडोकार्डियल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की अगर बात करूँ तो जो है इंजेक्टेबल साइट अगर बार बार अगर कोई करता है तो उसकी वजह से सेप्सिस की वजह से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, हिपेटिक नेक्रोसिस भी देखा जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी देखा जाता है, इसके अंदर जो है नेजल
सेप्टल परफोरेशन भी देखा जाता है। जो है अगर इंजेक्शन रूट से लिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन के स्कार मार्क भी देखने को मिलेंगे ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर। सैंपल इसके अंदर क्या क्या प्रिजर्व करेंगे, ब्लड, ब्रेन, स्किन फ्रॉम इंजेक्शन साइट और फिर स्वाब फ्रॉम नेजल म्यूकोसा। तो इस यहाँ से हम सैंपल ले सकते हैं इस कोकेन पॉइजनिंग के अंदर। दोस्तों मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, ड्रग ऑफ अब्यूज है ये, बॉडी में गेट डिकम्पोज रैपिडली, एक्सीडेंटल डेथ आर कॉमन ड्यू टू ओवरडोज और एडल्ट्रेशन, प्रोवोक द यूजर फॉर वायलेंट बिहेवियर, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में कॉज पर्सन टू बी एग्रेसिव एंड पैरानॉइड, प्रोस्टिट्यूट में प्लेस कोकेन सॉल्यूशन इनटू वजाइना टू प्रोड्यूस लोकल कॉन्स्ट्रिक्शन एंड कॉज इंटॉक्सिकेशन, बॉडी पैकर सिंड्रोम। ये क्या होता है, पर्सन इंगेज इन स्मगलिंग ऑफ कोकेन फिल द ड्रग इन बलून और कंडम और पॉलिथीन बैग एंड सॉलन टू कंसील द कॉन्ट्राबैंड, दिस एक्ट इज कॉल्ड एज बॉडी पैकिंग, द पैकेट में कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, समटाइम सडन डेथ में बी कॉज ड्यू टू रप्चर ऑफ द बैग और कंडम विद इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। यानी कि दोस्तों जैसे कि कोई एयरपोर्ट पे अगर कोई प्लेन के रूट में अगर कोई स्मगलिंग करना चाहता है तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, काफ़ी पुराना तरीका है, लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक के अंदर या फिर कॉन्डोम के अंदर या फिर बलून के अंदर ये सारी चीज़ें भर देते हैं और फिर उसको गटक जाते हैं। तो फिर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है बैग वैग में जो है जो डॉग्स जो स्निफर ड्रॉग होते हैं वो नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, या जो मशीन होती हैं वो उनके बैग बैग की जो तलाशी लेते हैं उसके अंदर नहीं कर पाते हैं, जो मेटल डिटेक्टर से अगर गुजरते हैं तो बॉडी के अंदर कोई भी मेटल जो कोकेन ये कॉन्डोम या बलून के अंदर रखते हैं तो इससे कोई भी मेटल डिटेक्टर के अंदर भी नहीं पकड़ा जाता है, तो ऐसे वो तरीका अपनाते हैं। तो इससे क्या करते हैं वो ये सारी चीज़ इंगल्फ ले जाते हैं, इससे होता क्या है कभी कभार वो पेट के अंदर फट जाता है या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर देता है। तो इन सब की वजह से ये मतलब ये सारी चीज़ें जो है स्मगलिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। बॉडी स्टफर सिंड्रोम, ये क्या होता है, इंडिस सिंड्रोम, द पर्सन हु स्मगल द कोकेन ऑन द वर्ज ऑफ बींग अरेस्टेड फॉर पोजिसिंग कोकेन स्वॉलोड ड्रग टू कंसील द एविडेंस, दिस एक्ट कॉज कोकेन पॉइजनिंग। यानी कि क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए स्मगलिंग के दौरान अगर वो अरेस्ट होने के चांसेस अगर उसके होते हैं तो क्या करता है, पूरा का पूरा कोकेन का उसका जो लॉट होता है वो पूरा इंगल्फ कर जाता है, स्वॉलो कर जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं कि कोकेन के अंदर मैंने आपको बताया कि इसका दूसरा नाम इसका है कोक, इसको हम वाइट लेडी के नाम से भी हम जानते हैं, वाइट लेडी के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जो है एरिथ्रोसाइलम कोका के प्लांट से डिराइव किया जाता है ये। इसके नाम मैंने आपको बताया था मैग्नेन फिनोमिनन सिंड्रोम या फिर कोकिन बग मैंने आपको बताया था, यानी कि उसके अंदर पर्सन के बॉडी के स्किन के ऊपर उसको रहेगा कि छोटे छोटे इंसेक्ट क्रॉल कर रहे हैं। एंटीडोट के अंदर हम जो है नाइट्रेट एमाइल नाइट्रेट अगर जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वो सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। इसके अंदर ब्लैक टीथ और ब्लैक टंग के फीचर्स भी देखा जाता है, ये मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, इसके अंदर ब्लैक टीथ एंड ब्लैक टंग जो है फीचर्स देखे जाते हैं। नेजल सेप्टम परफोरेशन इसके अंदर होता है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर हम सैंपल प्रिजर्वेटिव जब प्रिजर्व करेंगे तो नेजल सेप्टम से भी हम सैंपल जरूर लेंगे। ये बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है, इसका जो फेटल डोज मैंने बताया था 1 से 2 ग्राम इसका फेटल डोज मैंने इसके अंदर आपको बताया था। तो हम इसको सी के नाम से भी जो निमोनिक है हम इसको सी के नाम से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो सी से हो गया ये हम क्रैक के नाम से हम जानते हैं, एक सी हो गया वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है ये। सी से कोक भी हम जानते हैं, तो रिथ्रोजाइलम कोका के प्लांट
लीव से हम ड्राइव करते हैं, ये कोकेन बग, कोकेन बग। तो ये सारे सी आप देख सकते हैं। तो कोकेन के अंदर निमोनिक हो गया सी, और धतूरा के अंदर जो मैंने बताया था, तो धतूरा के अंदर मैंने आपको बताया था डी। तो डी से धतूरा, डी से उसके जो है क्लिनिकल फीचर्स, और कोकेन के अंदर सी, इसके अंदर निमोनिक आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ। एंड करने से पहले, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। यानी कि दोस्तों मैं जैसे आपको कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, अपने अंदर बिलीव लेके आइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी, आई कैन क्रैक विद गुड मार्क्स, आई कैन क्रैक विद अ बेटर रैंक, विद गुड रैंक। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर सोचिए, बिलीव लेके आइए, पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए। हमेशा अगर आप ये रखते हैं तो आप जो है काफ़ी अच्छी रैंक से आप नीट पीजी क्रैक कर ले जाएंगे। दोस्तों हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ अपने अंदर बिलीव लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिलीव नहीं लेके आते, अगर आप अंदर अंदर यही सोचते रह जाएंगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं क्रैक कर सकता, तो ये आपके और नीट पीजी के बीच में बहुत बड़ी बाधा सामने आ सकती है। इसलिए दोस्तों जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, अपने अंदर बिलीव लेके आइए कि हाँ पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए, पॉजिटिव जो है एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मैं हमेशा आपके अंदर बोलता हूँ कि हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है ही इसके साथ साथ। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, तो इससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करा करिए, इससे होता यह है कि हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने के लिए, क्योंकि एक रिकॉर्डेड सेशन है ये, इसके अंदर मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इसके अंदर ये होगा कि अगर आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम स्लाइड्स रखें, पीपीटी बनाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस रखें, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन होने की वजह से हम यहाँ पर डाउट क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए इन स्लाइड्स के थ्रू आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तब भी दोस्तों आपसे अगर तब भी अगर आपके कोई भी डाउट है, मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूँ, आप उसके अंदर जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों भूलिएगा नहीं, मैं जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर 24 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके जो नॉर्मल चार्जेस है वो है 30,000 rupees, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो ये आपको पड़ेगा 27,000 rupees का। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 1 month के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं, तो 1 month के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं वो होते 4,500। ऐसे दोस्तों अगर 12 month के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो वो होते 22,500। दोस्तों अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये आते 27,000 rupees। तो दोस्तों आपने देखा कि 13 month के ही सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको पूरे पूरे 2 साल का बेनिफिट आपको मिल रहा है। यानी कि आपको पे करना है 13 months के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो पूरे 2 साल के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों जनरली कोई अगर एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो 1 साल का लोग प्रिपरेशन के लिए टाइम लेते हैं। अभी जैसे अप्रैल चल रहा है तो नीट पीजी का एग्ज़ाम आने में पूरा अभी 9-10 महीने हैं। यानी कि अगर मैं इंटर्न्स की या जिन्होंने 1 साल ड्रॉप लिया है अगर मैं उनकी बात करूँ, दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि 12 month का सब्सक्रिप्शन सफिशिएंट है, लेकिन दोस्तों अगर आप उसके अंदर 1 month का सब्सक्रिप्शन और ऐड कर लेते हैं तो आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं 1 month का सब्सक्रिप्शन क्यों ऐड करूं? दोस्तों इसका लॉजिक ये है कि आप जब नीट पीजी का एग्ज़ाम ख़त्म हो भी जाएगा उसके बाद भी आप जो है पढ़ाई से आप टच में रह सकते हैं। यानी कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद फिर काउंसलिंग होती है, तब तक के टाइम पे जो है आप पढ़ाई से दूर ना रहें, तो उस टाइम पे भी अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं 13 month यानी कि पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं, तो आप उस टाइम पे आप पढ़ाई से दूर नहीं होंगे, आप पढ़ाई के भी टच में रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिजल्ट आता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है, तब तक मान के चलिए मई का टाइम आ ही जाता है, और मई में फिर से जो है एम्स का एग्ज़ाम सामने आ जाता है। तो ऐसे में आपको जो है ये बेनिफिट मिलेगा, अगर आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो आपके सामने बेनिफिट रहेगा कि आप एम्स की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों
एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसी साथ मैं आज की रिकॉर्डिंग मैं एंड करता हूँ। दोस्तों कोरोना वायरस का संकट में आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है अपने आप को सेफ रखिए। ऐसे में हमारा ऐप काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ पे आप सेफ इन्वायरमेंट में, घर के सेफ इन्वायरमेंट बैठ के भी आप जो है लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं, प्लस आप क्वेश्चन का पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे आप उसको ऑप्शन चूज भी कर सकते हैं, तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो इसी के साथ मैं आप आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।